नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। आईपीएल छोड़ा, विराट कोहली को विश्व कप से पहले आराम दिया जाना चाहिए। बंगाल में ममता पर पीएम मोदी का वार। देश में दो प्रधानमंत्री की चाहत रखने वालों का साथ दे रही है दीदी। सेटिंग के जरिए दूसरे की जगह युवक दे रहा था पेपर। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल का मौजूदा सीजन अभी तक विराट कोहली और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं नजर आ रहा है। विराट की कप्तानी में टीम ने शुरुआती लगातार 6 मैच गवा दिए हैं। इतनी हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्ले ऑफ तक पहुंचने का सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट कोहली और बीसीसीआई को एक खास सलाह दी है। रविवार 7 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद माइकल वॉन ने ट्वीट कर लिखा, अगर बीसीसीआई स्मार्ट है तो विराट कोहली को विश्व कप के लिए आराम दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रविवार को रैली को संबोधित करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भारत में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में गुंडों को खुला छोड़ दीदी ने मानुष की उम्मीदें तोड़ दी है। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि रविवार को स्पीड ब्रेकर दीदी ने कई केंद्रीय योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है और लोगों को देश के अन्य हिस्सों में उपलब्ध लाभ से वंचित रखा है। पलवल में दूसरे छात्र की जगह बीकॉम की परीक्षा दे रहे एक युवक को परीक्षा केंद्र के अधीक्षक ने पकड़ लिया। शहर थाना पुलिस ने कॉलेज को प्रिंसिपल की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी नेपाल सिंह के अनुसार पलवल सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि कॉलेज में बीकॉम की परीक्षा चल रही है। 6 अप्रैल को परीक्षा केंद्र पर गांव जोधपुर निवासी कृष्ण कुमार की जगह मोहन नगर निवासी दिलीप परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।